भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं के भाई होने का कितना भी दावा कर ले, लेकिन असलियत तो यह है कि उनके राज में उनकी बहनें अपने हक के लिए दर दर भटक रही हैं। शिवराज के राज में एक महिला पिछले 5 साल से अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लादे अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही है और उस महिला की कोई नहीं सुन रहा। तो मुख्यमंत्री चौहान, आप ही बताएं, आप किस आधार पर प्रदेश की महिलाओं के भाई होने का दावा करते हैं? ये मामला छतरपुर का है, जहां परसनिया गांव की रहने वाली महिला प्रियंका गोंड का कहना है कि 2019 से अनुकंपा नियुक्ति के लिए मैं अपने पति अंशुल गोंड को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हूं, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। मेरी शादी 2017 में हुई थी और शादी के 1 साल बाद ही सड़क हादसे में पति पैरों से विकलांग हो गए थे, तभी से मैं उन्हें गोद में लेकर आती जाती हूँ। मेरी ऐसी परिस्थिति को देखकर अधिकारी का दिल नहीं पसीजता, जिसकी वजह से आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं प्रियंका के पति अंशुल गोंड का कहना है, मेरी माँ कमलेश गोंड गौरीहार विकासखंड के ग्राम कितपुरा के शासकीय हाईस्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत थी और उनकी 2015 में एक सड़क हादसे में अचानक मौत हो गई थी। उसी के अनुकंपा नियुक्ति की मैं लगातार मांग कर रहा हूँ, जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। हमारी पत्नी दर दर भटक रही है। मेरा 2019 में एक्सीडेंट हो गया था और 2015 में हमारी मम्मी ख़त्म हो गई थी। तब से हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली, शिक्षा विभाग की मम्मी थी और एक्सीडेंट हो जाने के बाद हम पूरी तरह से विकलांग हो गए हैं। तो पत्नी हमारी गोद में लेकर दर दर भटक रही है। हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी के पास लेकर अच्छे महोदय के पास कई बार गई है, बी डी शर्मा जी के पास, हर जगह मतलब जनप्रतिनिधियों से लगा करके शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री भोपाल तक हम लोग हो गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं लेकर के सर पीठ में लेके अपने पति को दर दर भटकती सरकारी अफसरों के पास, कोई मेरी नहीं सुनता। 2019 से मैं लेके विकलांग हो गए मेरे पति, जब से मैं लेके भटक रही हूँ गोद में। आर्थिक स्थिति भुखमरी की तागात पे, कोई कुछ नहीं कर रहा है। आते यहाँ पे आवेदन देते, इसके बाद बोल देते सब हो जाएगा, वापस घर पहुँच जाते, कुछ नहीं होता जी। भोपाल हुआ, सीएम आवास हुआ, शिक्षा मंत्री के यहाँ लोग शिक्षा संचालय सब जगह हुआ हूँ मैं, कहीं कुछ नहीं हुआ। अनुकंपा नियुक्ति के लिए इनकी माँ 2015 में ख़त्म हो गई थी आग की वजह से, इसके बाद हम ऐसे ही ले लेके भटकते, कोई नहीं कुछ करता भाई। वहीं इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि जो शासन द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं उसी के अनुसार नियुक्ति की जाती है। तो मुख्यमंत्री चौहान, आप बताएं कि आपके शासन काल में क्यों आपकी बहनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और कब तक उस बहन को उसका अधिकार मिलेगा? अनुकंपा नियुक्ति के स्पेशल कैंप्स लगाए हुए हैं और जहां पे पोस्ट वेकेंट है उन सब में प्राथमिकता से और संवेदनशीलता से छतरपुर में कार्रवाई हुई है और सारे पोस्ट जो वेकेंट है उनके अगेंस्ट नियुक्तियाँ की गई है। जहाँ पे पोस्ट के वेकेंसीज में इशू है वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है और शासन स्तर पे भी उसको बेचा जाएगा, बट जहाँ पे नियमानुसार जितने भी केसेस को क्लियर कर सकते थे उतने में कैंप मोड में छतरपुर में कार्रवाई हुई। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।